महाराष्ट्र के अहमदनगर में जुलूस के दौरान दो गुटों में पथराव हो गया। पुलिस के मुताबिक रविवार को संभाजी जयंती के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में लोगों ने धर्मस्थल के पास गुजरते वक्त नारेबाजी की, इसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। मेरठ में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। तेज हवाओं की वजह से बिजली की लाइन टूटकर रोड साइड खड़ी गाड़ियों पर गिरी। इससे करीब 6 गाड़ियां धो धो कर जलने लगी। थाने के सामने खड़ी इन गाड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत पुराण कथा महाज्ञान यज्ञ और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ होगा। यह आयोजन मंदिर परिसर में बने 9 देवी देवताओं के नए मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हो रहा है। इन आयोजन में मुख्यमंत्री और गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, खासकर मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड खूब तप रहे हैं। खरगोन में तो पारा 46 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि भोपाल, ग्वालियर में पारा 43 डिग्री के पार है। रविवार को खरगोन राजस्थान, गुजरात के शहरों से भी गर्म रहा। कहीं भी पारा खरगोन के बराबर 44.8 डिग्री तक नहीं पहुंचा। पंजाब में पटियाला के गुरुद्वारा में बेअदबी मामले में एक श्रद्धालु ने रविवार रात 10 बजे एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि महिला गुरुद्वारा में दुख निवारण साहिब के परिसर में सरोवर के पास शराब पी रही थी। गोलीबारी में एक सेवादार भी घायल हो गया। आरोपी का नाम निर्मलजीत सिंह है और पटियाला का रहने वाला है। भारत में कोरोना वायरस के 801 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस 15,515 से घटकर 14,493 रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोग की मौत हो गई है। देश में अब तक 5,31,778 लोग कोविड से जान गंवा चुके हैं। कोविड मामले की संख्या 4.49 करोड़ पहुंच गई है। पाकिस्तान ने गुजरात के 184 मछुआरों को रिहा कर दिया है। सभी मछुआरे आज सुबह 5 बजे अमृतसर कोचो वैली एक्सप्रेस ट्रेन से गुजरात लौट आए हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राघव जी पटेल ने वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मछुआरों से मुलाकात की। मछुआरों ने पाकिस्तानी जेलों में उन्हें दी गई यातनाओं के बारे में भी बताया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन की टक्कर से पिकअप में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार सभी लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। मौका तूफान के म्यांमार में टकराने के बाद वहां काफी नुकसान हुआ। अब इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मौका साइक्लोन के चलते देश के पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक में शानदार जीत और स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए विधायकों ने वोटिंग की। विधायकों में किसी ने शिव कुमार तो किसी ने सिद्धारमैया, किसी ने डॉक्टर जी परमेश्वर, किसी ने खड़गे तो किसी ने लिंगायत नेता MB पाटिल के नाम का सुझाव दिया।